आपका अपना बायोशूटर हरचंद सिंह। आज हम बात करेंगे रूट हेयर कर्लिंग के ऊपर, जो टॉपिक अपने दिया हुआ है एनसीईआरटी ने एक लाइन के अंदर जो अपन समझाया हुआ है स्पेशली, उस पर अपन बात करेंगे रूट हेयर कर्लिंग के ऊपर। एनसीईआरटी ने जो कहा है, जब नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, हम कहेंगे कि जब राइजोबियम बैक्टीरिया का सिम्बायोसिस होता है तो रूट हेयर से उसका एंट्री होती है, तो वहां पर रूट हेयर जो होता है वो कर्ल हो जाता है। तो इस यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दी हुई है, द राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड द कॉलोनी द सराउंडिंग ऑफ रूट एंड द गेटिंग द अटैच द एपिडर्मिस एंड द रूट हेयर सेल्स, द रूट हेयर कर्ल एंड द बैक्टीरिया। अब ये जो कर्ल दिया हुआ है, ये कर्लिंग हुई कैसे है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे स्पेशली। तो इसलिए अगर अपन जब सबसे पहले इस टॉपिक में बात करें, तो अपन सबसे पहले देखते हैं रूट हेयर है क्या। रूट हेयर जो है, रूट हेयर जो स्पेशली है, ये जो पॉइंट होता है, ये स्पेशली आप तो इसको ध्यान से देखें तो सिलिंड्रिकल है, सेंट्रिकल है और यूनिएक्सियल है, यानी कि इसके अंदर आप यूनिएक्सियल और इसके ऊपर टिप जो एरिया होता है, केवल यहां पे जो होती है ग्रोथ होती है। ये पॉइंट आपको समझने का होता है, इसके अंदर ग्रोथ केवल टिप पॉइंट पर होती है। साइटोस्केलेटन का जो एक्टिव फिलामेंट है, इसका जो टॉप पॉइंट होता है स्पेशली, वो आगे ग्रो करता है, उसमें केवल एक्टिव फिलामेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझने के, जो यहाँ का जो ग्रोइंग पॉइंट होगा वो केवल ग्रो करेगा। तो अब क्या हो, स्पेशली प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, जब कर्लिंग जो होती है, इसके अंदर कर्लिंग होने का मेन रीजन ये होता है कि अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करें, लोड मॉड्यूलेशन जिस पर अपने डेमो बनाया था, नोड फैक्टर, नोड फैक्टर जो होता है वो अपन ने बात की थी कि लिपोकीटो ओलिगोसैक्राइड्स का बना हुआ होता है, लिपोकीटो ओलिगोसैक्राइड का बना होता है। ये जो नोड फैक्टर होता है, जिसको अपन NF से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जब रूट के किसी पॉइंट पर आकर अटैच होता है, जो मैंने अपने पहले बात की फ्लेवोनॉइड्स वगैरह जो अपने रूट जो सिक्रेट करता है वहां पर उसका अटैचमेंट होता है, उस जगह पे आकर जब ये अटैच होता है, तो यहाँ पर नोड फैक्टर के कारण से क्या होता है कि जो एक्टिव फिलामेंट होते हैं, ये एक्टिव फिलामेंट जो होते हैं गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं उनको ये ट्रांसलोकेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट जब करते हैं तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन से एक्जोसाइटोसिस होता है, एक्जोसाइटोसिस से क्या होगा कि न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, बाकी न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन जो कि फ्लेक्सिबल होती है, ये समझने की बात है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। अब जो फ्लेक्सिबल है, जब इस जगह पे आया, जब नोड फैक्टर किसी पॉइंट पर कनेक्ट होता है, वहां पर क्या होता है एक्जोसाइटोसिस होता है, कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो और एक्जोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाता है, वहां पर एक्जोसाइटोसिस होने से क्या होगा, यहाँ पर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और फ्लेक्सिबल होगी, और यहाँ पर एक्टिंग जो फिलामेंट होगा वो मूव करेगा, और जो टिप पॉइंट जो था इसका, ये शिफ्ट हो जाता है जहां तक कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज है या ज्यादा है। उस कारण से क्या होगा, जहां जहां पर जिस जिस जगह पे जैसे इस डायग्राम में अपन देखें, तीन पॉइंट्स हैं, इस जगह पे जब कनेक्शन हुआ तो एक्टिव फिलामेंट इस साइड में हुआ, इस जगह पे एक्टिव फिलामेंट इस साइड में हुआ, जिधर कनेक्ट होगा नोड फैक्टर उस साइड में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही कारण से रूट जो हेयर जो होता है उसमें कर्लिंग हो जाती है, और रूट हेयर कर्लिंग यानी कि कर्ल टाइप का हो जाता है, उसके कारण से होता है, किसके कारण से, एक्टिव फिलामेंट के, यानी कि जो गोल्जी बॉडी जो वेसिकल सिक्रीट कर रही है उसको ट्रांसलोकेशन करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा उसको, वहां पर न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल के फॉर्मेशन फ्लेक्सिबल होने के कारण से उसमें कर्लिंग हो जाती है। आपको टॉपिक कैसा लगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।